पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ मुरादाबाद जनपद की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी मुरादाबाद से शिष्टाचार भेंट की गई, जिसमें जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा पदाधिकारियों को महिला शिक्षक संघ बनने पर बधाई दी गई और अत्यधिक प्रशंसा करते हुए संघ को महिलाओं के हितों के लिए आज के दौर में अति आवश्यक बताया। जिलाधिकारी द्वारा महिलाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मुरादाबाद शिखा गुप्ता, जिला महामंत्री रेहाना नेगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलका रानी वर्मा, उपाध्यक्ष अनीता राठौर, प्रीति सिंह, निधु, संगठन मंत्री प्रतिभा रानी, कोषाध्यक्ष पुष्पा यादव उपस्थित रही। इस दौरान कार्यकारिणी की सभी सदस्याएं जिलाधिकारी के बाद एसएसपी मुरादाबाद से मिली और फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी। साथ ही औपचारिक भेंट करते हुए उन्होंने अपने सहयोग की अपील की और कार्यकारिणी को सभी अधिकारियों ने शुभकामनाएं भी दी हैं। सर, हम उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ से आए हैं। मैं उसमें जिला अध्यक्ष मनोनीत हुई हूँ मुरादाबाद से, और ये रेहाना नेगी मैम हमारी महामंत्री हैं, और अलका रानी वर्मा हमारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रीति मैम और अनीता मैम उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मैम हैं, और पूरी जिला कार्यकारिणी हमारी यहाँ पर आज मौजूद है। तो हम लोग अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय सर से आज एक शिष्टाचार भेंट के लिए और उनको अपने संगठन के विषय में, उद्देश्य और आवश्यकता के विषय में बताने के लिए आए हैं कि ये संगठन केवल और केवल महिलाओं का है, महिलाओं के लिए है और महिलाओं के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो सभी बहनों का इसमें स्वागत है। ये प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की महिलाओं का केवल एक और सिंगल मतलब संगठन है, जिसमें सभी मंच की महिलाएं एक साथ आएंगी, और ये हमारा स्वतंत्र संगठन है, हमारे अपने लिए है, महिलाओं के लिए। और आज हमारी माननीय जिलाधिकारी जी से भेंट भी हो गई है और उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां हमको इस संगठन के लिए प्रेषित की हैं, और उन्होंने बहुत प्रशंसा की है और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया है कि जहां भी जो भी आवश्यकता होगी वो हर कदम पे हमारे साथ हैं। और इसी क्रम में आज हम सभी ने अपने वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस एसएसपी सर से भी मुलाकात की, एक शिष्टाचार भेंट की। मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे? मुख्य उद्देश्य सर, हमारी जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं की समस्याओं को मुख्य पटल पे ले जाना है। प्राथमिकता हमारी महिलाओं की समस्याओं की है, जैसे कि उनकी ड्यूटी लग जाती है प्रेग्नेंट लेडीज़ की और वो घूमती रहती हैं, उनकी ड्यूटी नहीं कटती है। चुनाव में किसी दिव्यांग महिला की ड्यूटी लग जाती है, वो परेशान होती हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आसरा लेना पड़ जाता है। तो ये संगठन इसलिए कार्य करेगा कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ना आ सके, मतलब इन ये समस्याएं नहीं है लेकिन इनको समस्याओं की तरह परोसा जाता है सबके सामने, क्योंकि गाइडलाइन पहले से बनी हुई है कि इस तरह की महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, किंतु लगाकर हमको ये एहसास कराया जाता है कि हम एक समस्या का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि हम नहीं हैं। हम समस्या का हिस्सा कभी नहीं थे और कभी नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी भी विद्यालय में विजिट कर लीजिए, महिलाएँ एक से एक अच्छा नवाचार, एक से एक अच्छा शिक्षण कार्य कर रही हैं, लेकिन हमको उसका क्रेडिट कभी नहीं दिया जाता। हमेशा हमको एक समस्या का मुद्दा समझा जाता है कि आ गई बस समस्या लेके आ गई, नहीं, हमको ये परिपाटी बदलनी है, हमको ये सोच जो समाज की है उसके लिए संवेदनशील करना है महिलाओं को। महिलाओं के प्रति समाज संवेदनशील होगा तभी सर कार्य मुख्य पटल से उभर पाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।